डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने मैथ में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस निर्देशांक वाले जो चैप्टर है, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, हर तरीके के क्वेश्चंस को भी देखा है। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के 8वें चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हम लोगों का चैप्टर का नाम है, जिसका अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये हम लोगों का क्या है, चैप्टर है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या, कौन कौन सी बात है इसमें, क्या कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं है, सॉरी त्रिकोणमिति का एक परिचय है, तो हम लोग सिर्फ त्रिकोणमिति ही लिखेंगे। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एक चैप्टर है, अनुपात हमको याद आ गया था, कोई बात नहीं। आपके 8वें चैप्टर में नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब हम लोगों का चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको हम लोग शॉर्ट में ट्रिगो भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रिगो। कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है भाई, तो ट्रिगो पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे भी बोल देते हैं, नहीं तो हम लोगों को क्या पढ़ रहे हैं भाई, ट्रिगोनोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का अभी क्या क्या चल रहा है, तो अभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथ में त्रिकोणमिति, जो एनसीईआरटी के 8वें चैप्टर में है। चलो भाई, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति कितने तरह का होता है। सबसे हम लोग बात कर लेते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो आंसर होगा देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहां पे हम लोग सबसे पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि त्रिकोणमिति के कितने प्रकार हैं, त्रिकोणमिति के प्रकार। तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में जो प्रकार होते हैं ना, वो 6 तरीके से होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड 6, ठीक है। टोटल कितने तरीके का, 6 तरीके का। दोस्तों चूंकि देखो ये चीजें हमारे लिए नई है, नया चीजें हैं, तो इसको आपको एनर्जेटिक होकर सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप चीजों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, तो ये चीजें सिंपल हो जाएगा। त्रिकोणमिति का प्रकार बोले तो हम लोगों का 6 प्रकार है। पहला का नाम है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देख पा रहे होंगे, साइन थीटा का स्पेलिंग होता है एस आई एन, और इसको पढ़ते हैं थीटा। कॉस थीटा, टैन टी ए एन, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। याद रखना है दोस्तों, यहां पे त्रिकोणमिति जो है ना, हम लोगों को कोई भी पूछेगा कितने प्रकार का होता है, 6 तरीके का होता है। कौन कौन सा, तो इसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ध्यान रहे, थीटा का मतलब होता है कोण, थीटा का मतलब क्या है, ये कोण है। हर जगह जो थीटा 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 आया हुआ है ना, हर जगह थीटा का मतलब आपको कोण समझना है, ठीक है। और इधर नाम याद रखना है त्रिकोणमिति का प्रकार में कि साइन होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसी का प्रकार होता है, वैसे ही त्रिकोणमिति को 6 भागों में बांटा गया है, इसके 6 टाइप्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कोई भी पूछ सकता है कि 6 का आप नाम बताइए, तो यही 6 गो का जिक्र हम लोग करेंगे,
पूरे पूरे ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम लोग आइए चलते हैं, ये सीखेंगे कि आखिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये सब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का तो प्रकार हो गया, और ये ट्रिगोनोमेट्री बनता किससे है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा और ये छओ को याद भी कर लेना है कि ट्रिगोनोमेट्री के छह प्रकार कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक का स्पेलिंग COSEC, COSEC, कॉसेक थीटा। फिर सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट COT, कॉट। टेन TAN, कॉस थीटा, COS थीटा, साइन थीटा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे त्रिकोणमिति के प्रकार को डिस्कस किया कि टोटल छह तरीके के होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट्स पे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ना किससे मिलकर बना है। तो हम बात यहाँ पे किया जाए तो त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री जो बना है दोस्तों हम लोगों को ट्रिएंगल से बना है। ट्रिगोनोमेट्री कहां से लाया गया है, तो ट्रिएंगल से मिला है, ट्रिएंगल। और ट्रिएंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। और त्रिभुज का मतलब कौन सा त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा यानी कि इसका मतलब हुआ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ध्यान रहे दोस्तों, अगर हमसे कोई बोलेगा कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब आप क्या समझते हो, तो हम बोलेंगे कि भाई ट्रिगोनोमेट्री जो आया है ये ट्रिएंगल से आया है, और ट्रिएंगल का मतलब समझते हैं हम लोग त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज में ही कौन सा त्रिभुज लिया जाता है, राइट एंगल ट्रिएंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज लिया जाता है। यानी कि आपको ये चीज समझना चाहिए दोस्तों कि इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रिएंगल से बात जुड़ा हुआ मिलेगा, और इस ट्रिएंगल वाले चैप्टर में, इस ट्रिएंगल वाले चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना होगा, समकोण त्रिभुज से ही हम लोग ट्रिएंगल निकालेंगे, समझ में आ रहा है। और सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही एक तरह का त्रिभुज है, मतलब ट्रिएंगल है, और इसी ट्रिएंगल से हम लोग धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्री में घुसेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री में क्यों हम लोग इन करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का छह टाइप्स होता है, छह पार्ट्स को समकोण त्रिभुज से लिंक करेंगे, और देन हम लोगों को वो चीजें पता हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ट्रिगो कितने तरह का होता है। तो ट्रिगो हम लोग पढ़े छह तरह का होता है, छओ का नाम आपको याद रखने का जरूरत है। और अभी हम लोग सीखें कि ट्रिगोनोमेट्री आपको तभी समझ में आएगा जब आपको राइट एंगल ट्रिएंगल समझ में आएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज समझ में आएगा, पक्की। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक्स पर, राइट एंगल ट्रिएंगल के बारे में सीखते हैं दोस्तों, क्योंकि राइट एंगल ट्रिएंगल जब तक आपको आएगा नहीं आप ट्रिएंगल नहीं सीख पाइएगा। तो आपको हमको सिखाने का मकसद है, इसलिए हम लोग राइट एंगल ट्रिएंगल के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो टॉपिक्स देंगे, याद रहे हम मैथमेटिक्स में डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.1 शुरू नहीं करते हैं, पहले उसके पहले जो चीजें होती है पहले उसको हम लोग समझते हैं, फॉर्मूले को जानते हैं, फिर हम लोग उसको आगे अप्लाई करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग सीखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। और समकोण त्रिभुज जानते हैं क्या होता है, क्या होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि आप देख पा रहे होंगे समकोण त्रिभुज में कुछ इस तरीके का होता है यहां पर। समकोण त्रिभुज में दोस्तों तीन कोण होते हैं, लेकिन एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, एक कोण कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है।
और इस 90 डिग्री वाले कोण में जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे कर्ण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कर्ण। और इसको बोलते हैं दोस्तों आधार, और इसको बोलते हैं लंब, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम लोग सीखे क्या कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। और कर्ण को दोस्तों हम लोगों ने एच से सूचित करते हैं, कर्ण मतलब एच से क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसको आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका अंग्रेजी बेस होता है। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि इसका अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप किसी भी त्रिभुज में हम लोग देखें कि खासकर समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, उस समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। आधार का मतलब क्या, आधार का मतलब बेस, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब एच, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि समकोण त्रिभुज में ये तीनों चीजें होती है, कर्ण होती है, लंब होता है और आधार होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, आपको पता होगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 9th में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है पता है, आप पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों अब ये हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण को हम लोग जहां पे भी कर्ण होगा आप उसको सूचित कीजिएगा एच से, आप उससे किससे सूचित कीजिएगा एच से सूचित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग ये लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर लंब को पी ना, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को बी, तो बी का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों ये स्क्वायर जो है इधर हटेगा तो पूरा का रूट चढ़ेगा, तो एच बराबर हम लोगों का इधर फार्मूला बन जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक फार्मूला जो घेर रहे हैं वो हम लोगों को फार्मूला बन रहा है, देख पा रहे होंगे ना। तो एच का फार्मूला क्या हो गया, यानी कि कर्ण का फार्मूला हो गया हम लोगों का अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एच का फार्मूला इधर रूट में क्यों गया, क्योंकि आप समझो कि अगर इधर से कहीं भी स्क्वायर हटता है ना तो पूरा का क्या चल जाता है रूट। तो दोस्त ऐसे ही इसका यूज करके हम पी का भी फार्मूला निकालेंगे और बी का भी फार्मूला निकालेंगे। तो अभी हम लोगों का एच का ना फार्मूला निकला है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आप देखते चलिएगा, अगर पी स्क्वायर इधर प्लस में है ना भाई, पी स्क्वायर इधर किस में है, उसके आगे प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सिर्फ इधर बी स्क्वायर बचेगा। या हम बोल सकते हैं दोस्तों कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग इधर लिखे हैं बराबर के, या फिर पूरा का पूरा उधर लिखे हैं, बात तो बराबर है। ऐसा इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी हम लोग बी बराबर क्या फार्मूला लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो पूरा का रूट चढ़ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अभी तक के हम लोगों को दो फार्मूला आ चुका है एच का, यानी कि कहीं भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कर्ण निकालो तो कर्ण का मतलब क्या,
रूट अंडर करना है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करके और जोड़ देना है और फिर उसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो अभी तक के हम लोग एच का भी फार्मूला निकालें, बी का भी फार्मूला निकालें। चलिए अब पुनः हम लोग उसके नीचे आप लोग लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा पुनः चूंकि एच स्क्वायर बराबर फार्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक के हम लोग पी स्क्वायर को ना इधर किए हैं, अब की बार बी स्क्वायर को इधर करेंगे। तो बी स्क्वायर को इधर करेंगे तो प्लस है ना, तो कौन सी हो जाएगा माइनस, यानी कि एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। क्यों हम पी को इधर क्यों छोड़े हैं, क्योंकि पी का फार्मूला निकालने वाले हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब माने कि पी होता है, एक आधार मतलब कि बी होता है। तो इसमें दोस्तों हम लोग तीनों का फार्मूला निकालने वाले हैं, तो जैसे कि प्रूफ करने वाले हैं। तो एच का फार्मूला प्रूफ हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का फार्मूला कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग बी का वैल्यू निकाल लिए, तो अब पी का निकालना होगा, तो बी स्क्वायर को ना इधर करेंगे। तो यहां पे फार्मूला था, अब की बार में बी को इधर ला दिए, तो यहां पे बच रहा होगा पी स्क्वायर। अब हम इसको उलट के लिख सकते हैं, या कैसे, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर जब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी कि हम इसलिए बोल सकते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोग तीनों का फार्मूला निकल गया। तो दोस्तों इस तरीके से फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं और तीनों को अभी इकट्ठा करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग ये देखें क्या देखने को मिल रहा है। तो हम लोग उनको मेन फार्मूला बन गया, अभी तक तो प्रूफ कर लिया ना। अतः दोस्तों तीन तरीके का मेन फार्मूला मिला। समकोण त्रिभुज से ही ना हम लोग त्रिकोणमिति सीखते हैं, तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हुआ, आधार हुआ और लंब हुआ। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं और एच का फार्मूला मिला अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक फार्मूला। दूसरा दोस्तों, समकोण त्रिभुज में आधार भी होता है, आधार को हम लोग किससे सूचित किए, बी से। तो यहां हो गया बी बराबर, अभी फार्मूला हुआ कौन सा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला हुआ। और दूसरा तीसरा दोस्तों, समकोण त्रिभुज में लंब का भी इस्तेमाल होता है और लंब को हम लोग कहते हैं पी, लंब को क्या बोलते हैं पी। तो यहां पे हम लोग पी हो गया, इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये तीनों फार्मूला आपको बिल्कुल याद रख लेना होगा, क्योंकि ये तीनों फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका फार्मूला को याद नहीं रखेंगे, आपसे सवाल बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी तक के हम लोगों को तीन फार्मूला मिल गया है, किसका किसका, कर्ण का, ठीक है, कर्ण का, और दूसरा आधार का, और तीसरा लंब का। ठीक है, तो ये हम लोगों को फार्मूला मिल चुका है दोस्तों। अब एच का फार्मूला मिल गया, बी का फार्मूला मिल गया, पी का फार्मूला मिल गया। अब अगर आपको सवाल देखना है, सवाल देखना है, अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कैसे कैसे मिलेगा, वो क्वेश्चन जरा समझना है। आपसे पहले तो फिगर देकर पूछेगा, अगर फिगर देकर नहीं पूछा तो सिंपल वे में, यानी कि हम पहला टाइप का सवाल इस पे करते हैं। तो टाइप वन पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे दे सकता है आपके बुक में, एग्जाम में पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लिखेगा यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा
ठीक है, 13 सेंटीमीटर हो तो हो, और आधार 5 सेंटीमीटर हो तो लंब ज्ञात करें, लंब ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब कि आपको ये लैंग्वेज प्रॉब्लम दे सकता है, और इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को पढ़कर आपको समझना होगा, इसको पढ़कर कि हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और किसका किसका मान निकालना है। दोस्तों हम लोगों को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा हम लोगों को कौन किसको कहते हैं, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है ना। देख पा रहे होंगे आप, नाइन्थ में भी सीखोगे कि सबसे त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन होता है, तो कर्ण होता है। तो यहाँ कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, और कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं एच से, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर हो। और आधार, तो आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, तो बी का वैल्यू हो गया हम लोगों को कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का वैल्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, लंब निकालने के, पी का मान निकालना है दोस्तों। तो सिंपल वे में इसीलिए ना हम लोग यहाँ पे फार्मूला प्रूफ किए हैं, हम लोगों का पी का फार्मूला याद होना चाहिए। आप जरा आप तीन फार्मूला को देखिए, तो तीन फार्मूला भी हम शॉर्ट में याद करवा देते हैं। ये तीनों फार्मूला को देखिए, आप दो जगह के फार्मूला में माइनस माइनस देख पा रहे होंगे, और एक फार्मूला में प्लस है। तो आप ये जानिए कि जो सबसे बड़े लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन नहीं हो, चाहे गरीब मर रहा हो चाहे गरीब जी रहा हो, उनको कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जो लोग बड़े होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके अकाउंट में पैसा कभी घटता नहीं है, उनके अकाउंट में पैसा फिर भी जुटते रहता है, ऐड होते रहता है। इट मीन्स एज क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा है तो आप एच को छोड़ के बाकी तीनों वो चीज होता है ना, एच होता है, पी होता है और बी होता है। तो एच को हटा दिया जाए तो दो चीज ना बचता है, पी और बी, तो दोनों को ऐड कर देना है और स्क्वायर करके ऐड करना है। हालांकि स्क्वायर तो सब में करना है और रूट भी सब में करना है, तो ये चीजें याद नहीं करना है आपको, क्योंकि ये चीजें सब में सेम है, स्क्वायर भी करना है सब में, रूट भी करना है सब में, देख पा रहे ना। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज को समझ रहे हैं, चूंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर सब में करना है, लेकिन एक में ऐड करते हैं, सबसे बड़ी भुजा सबसे लंबी भुजा कौन है, कर्ण, इसीलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। और दूसरा दोस्तों हम लोग को घटाओ किस में करते हैं, तो बी और पी दोनों छोटे लोग हैं, बी और पी क्या है, दोनों छोटे लोग हैं, और छोटे लोगों के पास क्या होती है, पैसा हमेशा कम होती है बड़े लोगों के पास से, समझ रहे हो। छोटे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो अपना जिंदगी कैसे भी लाइफ को बिता रहे, तो उनके पास जो पैसे होते हैं ना कम होती है, किससे कम होती है, तो बड़े पैसे बड़े लोगों से पैसा कम होती है। तो इसमें बड़ा लोग हमेशा एच ही है ना, अरे एच तो बड़ा है ना, तो एच में से पी को घटा दीजिए, जब बी का वैल्यू निकालना है तो पी को घटा देना है, और पी का वैल्यू निकालना है दोस्तों तो बड़ा आदमी में से बी को घटा देना है। यानी कि आप समझ लो ऐसे कि हमेशा जो माइनस होता है, यानी कि घटाव होता है, पैसा घटता है, वो गरीबों में होता है, नीचे वाले लोगों में होता है, और तीनों में सबसे अमीर कौन है, हाइपोटेनस, कर्ण सबसे बड़ी है, छोटी पी और बी है। तो इसीलिए दोस्तों पी और बी के फार्मूला में माइनस होता है, किस में से माइनस, तो बड़ा वाला में से माइनस, बड़ा वाला तो एच है, तो एच स्क्वायर में से माइनस, एच स्क्वायर में से माइनस। अगर बी का वैल्यू निकालना होगा तो इसका उल्टा पी घटाएंगे, और पी का निकालना होगा तो बी घटाइएगा, पक्का। चलिए अब हम लोग यहां से पी निकालना है, तो पी एक तरह का छोटा आदमी है, तो छोटा आदमी में रूट करते हैं, पी का वैल्यू रूट करते हैं और
बड़ा आदमी एच स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू निकालना है तो इसका उल्टा बी स्क्वायर घटा देंगे, तो रूट अंडर का रूट अंडर एच का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना, तो बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना 169 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 ठीक है, और इसको घटाएंगे तो हम उल्टा ऊपर लिख रहे हैं नीचे जगह नहीं है तो इसीलिए आप उसको नीचे लिखिएगा, इसका आएगा 144 और 144 का वर्ग में निकाल के 12 सेंटीमीटर आंसर कर देना है। तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को ना सॉल्व करेंगे ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा जाए अब कुछ क्वेश्चन जो है ना आप खुद इसको लिखिए, हम बोल रहे हैं और आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, जैसे होमवर्क्स के लिए भी हम बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाएं क्रमशः छह सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज की लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, चलिए ये हो गया। अच्छा दूसरा सवाल लिखिएगा, दूसरा सवाल में हमें सिर्फ क्या बोल रहा है कि यदि कर्ण इज इक्वल टू चार सेंटीमीटर कॉमा लंब बराबर 2 सेंटीमीटर तो आधार बराबर वाट, आधार कितना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। कर्ण बराबर 4 दिया है, लंब बराबर 2 दिया है, तो आपको आधार निकालना है ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, यदि P बराबर 2 सेंटीमीटर तथा B बराबर 8 सेंटीमीटर तो H बराबर वाट। फिर लिखा जाए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक छोटी भुजा तीन सेंटीमीटर और उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की हो तो
दूसरी छोटी भुजा ज्ञात करें, दूसरी छोटी भुजा ज्ञात करें। देखिए लैंग्वेज को ना आपको समझना है कि किसका किसका वैल्यू दिया है, तो दूसरी छोटी भुजा ज्ञात करें। फिर चलिए पांचवा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हो गए ना, पांचवा में लिखेंगे यहां पे इसको कर्ण के बजाय इसको आधार बना दीजिए और इसको जो है ना लंब कर दीजिए 12 सेंटीमीटर, तब यहां पे बोल रहा है कि कर्ण क्या होगा। इसको है ना आप क्वेश्चन नंबर 5 बना दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यही तीनों रूल्स पे आधारित है। जब आप ये तीनों रूल्स सीख जाएंगे फिर हम लोग अगले क्लास में और कुछ नई चीजों को सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।